नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ के गंगानगर थाना इलाके ने एक मकान में नकली नोट छाप रहे एक गैंग का भांडा फोड़कर आरोपी सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मां बेटी सहित कुल 4 आरोपी है। इस गैंग में और भी लोग शामिल है। दरअसल गंगानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला बाजार में नकली नोट चलाने का काम कर रही है। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दर्जन भर लोगों का नाम सामने आया। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर महिला के अलावा 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। देखिए, नोट है और लगभग 1,00,000 रुपए के अर्धनिर्मित नकली नोट है। उसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो कुछ समय से, कुछ दिनों से बाजार में नकली नोट चला रही है। मुखबिर की सूचना के अनुसार उस महिला को पकड़ा गया तो उसके पास से भी कुछ नकली नोट बरामद हुए। उसके बाद इस पूरे कड़ी को पता किया गया तो उसमें पता चला कि इस महिला को रॉबिन नाम का एक व्यक्ति है, जो उसका रिश्तेदार भी है, वो नकली नोट सप्लाई करता है। रॉबिन तक पकड़ा गया। उसके बाद जो इसके पीछे के जो मतलब जो सरगना थे, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम सामने आया है। एक का नाम विनोद है, एक का नाम सिकंदर है और तीसरे का नाम प्रशांत है। विनोद, सिकंदर और प्रशांत, ये तीनों, इसमें से जो प्रशांत है वो पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। मूल रूप से केरल का रहने वाला है, अभी वो गाजियाबाद जेल में निरुद्ध है। इसमें बाकी जो व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। विनोद अभी फरार चल रहा है, जिसके लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। 2 महिला की गिरफ्तारी हुई है। जो नोट हैं वो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, 2000 के, 500 के, 200 के और 100 के, ये नकली नोट तैयार करते थे कलर प्रिंटर के और बाकी अन्य उपकरणों के माध्यम से। लगभग 5.5 लाख रुपये के नकली नोट हैं। 1 लाख रुपये के अर्धनिर्मित जो नकली नोट है ये इनसे बरामद हुए हैं। सारे उपकरण बरामद हुए हैं। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इन सबको जेल भेजा जाएगा। सर, कब से कर रहे थे एकदम? ये काफ़ी समय से कर रहे हैं ये लोग, लेकिन पहले जब इन्होंने ऐसा किया था तो यहाँ कुछ समय पहले खरगोदा थाना से भी भेजा गया है। यहाँ कुछ समय पहले से ही इन्होंने स्टार्ट किया है। सर, कहाँ चलाए गए अभी तक ये नकली नोट? यहाँ जो कुछ दुकानों में चलाए गए हैं वहाँ से भी नकली नोट ले लिए गए हैं वापस। क्या अभी तक गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़, इनमें इनका तंत्र फैला हुआ है और भैया विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जा रही है। सिकंदर भैया, थोड़ा पकड़ लो। महिलाओं के माध्यम से ही जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी आप जिसे बोल सकते हैं, बाजारों तक उन्हीं के माध्यम से चलाया जा रहा है।